मथुरा वृंदावन के विश्व विख्यात बांके बिहारी मंदिर में फिर आया सेवायतों की दबंगयाई का मामला। यजमान को लेकर दो सेवायतों में हुआ जमकर झगड़ा। ये सारा मामला हुआ सीसीटीवी में कैद। पीड़ित अभी भी न्याय के लिए भटक रहे, दरबदर नहीं हो रही पुलिस द्वारा कार्रवाई। दरअसल ये मामला है बांके बिहारी मंदिर का, जहां 12 तारीख को हुआ सेवायतों में झगड़ा, जिसमें सेवायत जुगल किशोर और उनके पुत्र श्रीवर्धन और निकुंज वर्धन ने गाली गलौज व मारपीट मंदिर के चबूतरे पर सरेआम करते हुए नजर आए। आप पूरा मामला इस वीडियो में देख सकते हैं कि दबंग सेवायत जुगल किशोर और उनके पुत्र श्रीवर्धन और निकुंज वर्धन की गुंडागर्दी इस कदर है कि मंदिर के परिसर में उन्हें पुलिस का डर नहीं है ना किसी का। बस अपनी दबंगई में चूर सरेआम गुंडागर्दी करते हुए बुरी तरह मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वहीं पीड़ित ने जुगल किशोर व उसके दोनों पुत्र श्रीवर्धन निकुंज वर्धन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि नामजद जाने जान से मारने की धमकी देते हैं, जबकि पुलिस ने आईपीसी 323-504 के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया था। मुकदमा पंजीकृत तो हुआ, लेकिन इनकी सेवायत की पहुंच ऊपर तक होने के कारण अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मुकदमा भी हल्की फुल्की धारा में ही दर्ज किया गया है। अब देखना यह होगा कि इन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई होगी या ऐसे ही इनकी दबंगई चलती रहेगी, जबकि कई दिन बीत जाने बाद भी पीड़ित न्याय के लिए मजबूर होकर इनके खिलाफ सामने नहीं आ पा रहा है, जबकि ये पूरे मामले के सीसीटीवी के फुटेज को उजागर नहीं किया गया, इसलिए ये मामला अभी तक नहीं उछल पाया है, क्योंकि बिहारी जी में अक्सर मारपीट के मामले यूं ही दबकर रह जाते हैं। क्या नाम है? कुलदीप पांडे। कुलदीप पांडे, क्या मामला हुआ था, किस लिए मारपीट हुई थी? 12 तारीख को हमारे वहाँ गद्दी पे आनंद किशोर गोस्वामी जी की गद्दी पर मैं काम करता हूँ, राणा पांडे, वहाँ पर दो परदेशी आए थे, लेडीज थी, उन्हें मैंने बाल भोग का प्रसाद दिया है, तो वहाँ बाहर रखी मेज पर उन्होंने दोनों ने रख दिया, जिस पर जुगल किशोर गोस्वामी ने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद में मैंने उसे थोड़ा सा सिर्फ कुछ कहा है कि आखिर में ऐसा क्यों किया, क्यों हाथ पकड़ा है, बोलने का मौका नहीं दिया। और जुगल किशोर गोस्वामी ने और उनके लड़के निकुंज किशोर वर्धन गोस्वामी दोनों ने मन पे मेरा गरीबान पकड़ के गद्दी से नीचे ढकेल के दोनों ने मुझसे हाथ अपाई किए, मारा है, मेरे नाक से खून निकला, मेरे मुंह से खून निकला है, उन्हें मेरे गले में भी चोट आई, सिर में भी चोट आई। तो उसने कोई रिपोर्ट वगैरह कराई? हाँ, हमने NCR की है थाने में, कोतवाली घंटा में। क्या कार्रवाई हुई उसमें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कुछ कार्रवाई हुई है। कोई अभी तक पुलिस ने किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया? नहीं, कुछ भी एक्शन नहीं लिया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। आगे आप क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा, जो कुछ नहीं कर सकता।